रुक करेंगे खबरों का। शुक्रवार की सुबह मध्य प्रदेश की सियासत के गलियारों में ऐसा उबाल लेकर आई कि हड़कंप मच गया। प्रत्याशी चयन में उलझी बीजेपी के लिए मुश्किलें थोड़ी और उस वक्त बढ़ गई जब लोकसभा स्पीकर और सुमित्रा महाजन ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ताई ने एक लेटर लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो पार्टी को असमंजस की स्थिति से आजाद कर रही और अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इंदौर लोकसभा सीट पर मची खींचतान के बाद आखिरकार लोकसभा स्पीकर और इंदौर सांसद सुमित्रा महाजन की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। ताई ने मीडिया को एक लेटर लिखकर ये बात साफ कर दी है कि वो अब इंदौर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सुबह सुबह मीडिया को जैसे ही ये लेटर ताई ने भेजा, मीडिया हाउस और राजनीतिक गलियारों में मानो हड़कंप मच गया। जो लेटर ताई ने भेजा उसकी एक कॉपी पार्टी आला कमान को भी भेजी गई। सुमित्रा महाजन ने लेटर में लिखा है कि इंदौर लोकसभा सीट पर बने सस्पेंस को देखते हुए वो ये निर्णय ले रही हैं कि अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि लेटर में ताई ने ये भी लिखा कि उन्होंने पहले ही पार्टी पर निर्णय छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी असमंजस की स्थिति है और इसीलिए अब वो खुद ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने लेटर में इंदौर की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया। बहुत सोच समझ के मैंने ये घोषणा की है, क्योंकि कई दिनों से महसूस भी कर रही थी, सोच रही थी, निर्णय लेने में जो देरी हो रही थी, केंद्र हमारा निर्णय नहीं ले पा रहा था, ऐसा मुझे लगा। तो ऐसा लगा कहीं संकोच में अगर वो निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं कि ताई को कैसे कहें, ऐसा भी हो सकता है। और जो भी उनके, मैं जो यहाँ वहाँ से सुन रही थी 75 की कैटेगरी, उसमें भी मैं आ गई हूँ अब तो, और इसलिए आज मुझे ऐसा लगा कि कल नया साल है, नए साल में निर्णय नया अगर अच्छा लेना हो तो हमारी पार्टी के केंद्र में जितने भी लोग हैं वो केंद्रीय चुनाव समिति को कोई दिक्कत नहीं जाए और जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाए, क्योंकि जितने दिन कम होते जा रहे हैं हमें पार्टी का प्रचार करना है, अधि प्रचार करना है, जाना है सब जगह, इसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है। अभी तो हमारी बैठकें चल रही है अच्छी, मगर इसलिए आज सोच समझ के मैंने ये निर्णय लिया। जैसा हम कहते हैं ना, किसी को चिंता मुक्त करें, तो मैं पार्टी को मैंने ये चिंता से मुक्त किया कि ताई को कैसा लगेगा मत सोचो, ताई पार्टी के लिए है, पार्टी ने बहुत कुछ मुझे दिया और आज भी मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। चुनाव में बिल्कुल जी जान से हम सभी मिल करके चुनाव लड़ेंगे, मगर कुछ निर्णय लेने में अगर संकोच किसी कारण से होता हो तो वो मेरी तरफ से मैंने कह दिया, संकोच मत करो, नहीं लड़ूंगी मैं, आप ताई का ये लेटर जैसे ही मीडिया को मिला तमाम न्यूज चैनल्स पर खबरें चली और कुछ ही देर में ताई को मनाने के लिए इंदौर शहर के बीजेपी नेताओं का घर पर जमावड़ा लग गया। सुदर्शन गुप्ता, मालिनी गौड़, जीतू जिराती, रमेश मिंदोला, गोपी कृष्ण नेमा समेत तमाम नेता ताई के घर पहुंचे और उनसे बातचीत की। व्हाट्सएप पे पत्र देखा तो सभी लोग स्तब्ध थे कि भाई कोई ने चला दिया या कर दिया, हम लोग सभी ताई से मिलना है। पार्टी ने अभी पार्टी तय कम किया, पार्टी बैठे की चर्चा तय करी, जो पार्टी का डिसीजन होगा हम सब सहमत, ताई भी सहमत, हम भी सहमत, सब सहमत। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ताई को मनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ताई का निर्णय वही रहा जो वो ले चुकी थीं। ताई ने नेताओं से मुलाकात के बाद एक बार फिर मीडिया से बात की और दोहराया कि उन्होंने असमंजस की स्थिति से पार्टी को मुक्त कर दिया है। आज सोच समझ के मैंने ये निर्णय लिया, जैसा हम कहते हैं ना, किसी को चिंता मुक्त करें, तो मैं पार्टी को मैंने ये चिंता से मुक्त किया कि ताई को कैसा लगेगा मत सोचो, ताई पार्टी के लिए है, पार्टी ने बहुत कुछ मुझे दिया और आज भी मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। चुनाव में बिल्कुल जी जान से हम सभी मिल करके चुनाव लड़ेंगे, मगर कुछ निर्णय लेने में अगर संकोच किसी कारण से होता हो तो वो मेरी तरफ से मैंने कह दिया, संकोच मत करो। सुमित्रा महाजन यानी कि ताई इंदौर से लगातार 8 बार से सांसद हैं। 75 बरस पार कर चुकी ताई इस बार भी इंदौर सीट से बीजेपी की प्रबल दावेदार थीं, लेकिन बीच बीच में इस तरह की खबरें आईं कि पार्टी इस बार किसी और को उम्मीदवार बना सकती है। लंबे समय तक इंदौर सीट पर खींचतान मची रही जो अभी भी जारी है। अब ऐसे में देखना यह है कि ताई बीजेपी के जिस गढ़ को बीते 8 लोकसभा चुनाव से
अज्जिया बनाई हुई थी। अब उनके इनकार के बाद क्या इंदौर की जनता फिर से बीजेपी उम्मीदवार पर भरोसा जताती है या फिर बीजेपी का ये किला इस बार कांग्रेस फतह कर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।